बिहार के गया जिले का ये छोटा सा गांव है पटवाटोली। कुछ साल पहले तक इस गांव की पहचान यहां के बुनकरों की वजह से थी, लेकिन अब पटवाटोली अपने इंजीनियरों की वजह से चर्चा में है। इस साल गांव के 18 बच्चों ने अच्छी रैंक के साथ आईआईटी की परीक्षा पास की है। ऐसा पहली बार नहीं है। गांव में किसी तरह की सुविधाएं ना होने के बावजूद पिछले कुछ सालों से लगातार गांव के 10 से 15 बच्चे आईआईटी परीक्षा पास करते आए हैं। यहां पे हर साल रेगुलरली आईआईटी जेई एग्जाम क्रैक होता है, तो मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, तो मैंने भी इस बार किया। गांव पिछड़ा है, लेकिन यहां की लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में किसी मायने में पीछे नहीं है। इस बार गांव की बेटी ने भी आईआईटी की परीक्षा पास की है। यहां तो सबसे पहले मुझे यहां के कोई लड़कियां खास कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी अब तो फिर भी बहुत लोग कर रही है, लेकिन पहले नहीं किया करती थी। पर मुझे हमेशा लगता था कि लड़कों से पीछे क्यों, मैं भी तो उनके साथ चल सकती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। अब सुविधाओं से महरूम इस गांव के बच्चों की रणनीति देखिए। सब बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। जिन बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हो गया वो बाकियों की मदद करते हैं। हम लोग ऐसे जगह चुन लेते हैं जहाँ पे मतलब इतना शोर हल्ला ये सब नहीं होता, सबको मतलब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं जितने भी पढ़ाई करने वाले हैं। पिछले साल के जो आईआईटी जेई जिन्होंने क्रैक किया है वो रेगुलरली मतलब उनसे हेल्प मिलती रहती है, कुछ दिक्कत वगैरह होता है तो पूछ लेते हैं या फिर आपस में भी डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। गांव में ज्यादातर लोगों का पुराना पेशा बुनकरी ही था, लेकिन जब धंधा मंदा पड़ गया तो लोगों का पढ़ाई लिखाई पर ध्यान गया, और अब गांव में हाल ये है कि हर घर से कोई ना कोई अच्छे कॉलेज या अच्छी नौकरी में है। लगभग 15-17 वर्षों से समाज ने सोचा कि सिर्फ व्यवसाय से काम नहीं चलेगा, हम लोग के समाज का लड़का और लड़कियों के शिक्षा में जागृति होनी चाहिए। अब गांव के होनहारों ने साबित कर दिया है कि इरादे बुलंद हों तो गरीबी बीच में नहीं आती।